कि जिसका हम इशारा दे रहे थे कि ये जो 17th लोकसभा के चुनाव इख्तिताम हुए अभी दो दिन पहले और उस पर जो आप मीडिया और एजेंसीज का अपना एक सिलसिला है एग्जिट पोल का, मगर जिस तरह के एग्जिट पोल पिछले दो दिन से दिखाए जा रहे हैं, अगर हम ये पूछें कि उन्हीं मीडिया चैनलों में एक मीडिया चैनल एनडीए को 242 से ऊपर नहीं चढ़ा रहा है और उन्हीं मीडिया चैनलों में एक चैनल 500 भी दे रहा है, तो ये इतनी लंबी वेरिएशन उन सर्वे एजेंसीज का एग्जिट पोल बनाने वालों का जब आपस में ही है, तो हम कैसे उस पर यकीन करें। हमने जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के क़यादत में जो चुनाव लड़ा है वो प्योर और प्योर देश की जनता के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, छोटे व्यापारियों के मुद्दे, रफेल के मुद्दे, करप्शन के मुद्दे, इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा लोगों की नुमाइंदगी करते करते। हमें उम्मीद है कि जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे वो इन सर्वे से हट के होंगे और उम्मीद हमारी ये है कि अल्टीमेटली इन रिजल्ट्स के बाद में एनडीए की सरकार नहीं होगी, जो एग्जिस्टिंग एनडीए है उस कंपोजिशन की सरकार नहीं होगी, नॉन एनडीए सरकार देश में वजूद में आएगी और जो सेकुलर सोच की होगी, जो सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार होगी, ऐसी सरकार अगले हफ्ते में यहाँ पर। आपका अपना इंडिविजुअल रिजल्ट भी आ रहा है तो किस तरह से आप देखते हैं? हम कॉन्फिडेंट हैं, साउथ की ही बात नहीं है, मैं तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में मेजॉरिटी सीटें यूपीए को जाती हुई देख रहा हूँ। एक आध सीट का कहीं कमी पीशी हो सकती है, बाकी जितनी सीटें यहाँ से रिजल्ट निकल के आएंगी वो सारी यहाँ से राहुल गांधी के झोली में ही जाने हैं, यूपीए के ही झोली में जानी है। कांग्रेस के बैकअप डिप्टी मेयर जो हैं वो पीसी में शामिल हुए, आपकी प्रश्न जी साहब। देखिए, ऐसे बहुत सारी जगहों पर किसी न किस्म की कमजोरियां खामियां तो पाई गई हैं और उन खामियों को देखने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था, जिन्होंने क्लियर कट जहां अपोजिशन ने कंप्लेंट की उसको नज़रअंदाज किया, जहां रूलिंग पार्टीज ने अपोजिशन के लोगों के खिलाफ कंप्लेंट्स की उसको ज़बरदस्त एक्शन में साथ साथ में डाला, ये तो पूरे देश ने देखा। डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट से ही डिप्टी मेयर बने थे, लेकिन अब पीसी के साथ शामिल, किस तरह से देखते हैं? जो शख्स जिस ग्रुप के सपोर्ट से बन के गया था, चाहे वो कल चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, और अगर वो शेप छोड़ करके दूसरी शक्ल सूरत में जाता है, बेसिकली ही सीजेस टू बी ए डिप्टी मेयर, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन से वो निकल के आया था उस कॉम्बिनेशन को डिच करके अगर वो इंडिविजुअली कहीं जाता है तो वो डिप्टी मेयर नहीं रहता है। उसको या तो कॉन्फिडेंस हासिल करनी है या जिस दिन काउंसिल लगेगा उस दिन उसको वो मेम्बरान जिन्होंने उसको चुना था वो उसको नो कॉन्फिडेंस में भी वहाँ पर पेश कर सकते हैं। दिखाने वालों को दिखाने दो, उससे क्या होता है। हम कॉन्फिडेंट है साउथ कश्मीर में कांग्रेस फ्लाइंग कलर्स के साथ सीट जीत के आएगी, ये मेरी तरफ से आप विश्वास लेकर जाए।